समस्त धर्मानुरागी भाई बहनों को पंडित सोमनाथ शर्मा की ओर से प्रेम सहित हरि स्मरण। इस कैसेट टेप की शुरुआत मैं श्री मद भगवद गीता के प्रारंभ से कर रहा हूँ। मैंने परम प्रभु सच्चिदानंद भगवान की अपार कृपा से संपूर्ण श्री मद भगवद गीता के सभी 18 अध्याय की स्टीरियो रिकॉर्डिंग की है। प्रत्येक अध्याय के शुरू में उस अध्याय का विषय, कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक क्या कुछ कुंती पुत्र अर्जुन ने पूछा और प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इस पर टिप्पणी कही गई है तथा हरेक श्लोक का अत्यंत सरल भाषा में टीका कहा गया है। इस आशा के साथ कि श्री गीता जी का सरल टीका सहित यह पाठ समस्त धर्म प्रेमी परिवारों को मंगल प्रदान करने वाला होगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घरों में प्रातः स्नान ध्यान के समय सबसे पहले इस कैसेट टेप का प्रसारण करें, ताकि श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से निकली इस देववाणी से आपका तन मन घर बार लोक तथा परलोक सब पवित्र होंगे और आपको अपने अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति होगी। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोध्याय प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 11 श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन, 12 से 19 श्लोक तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन, 20 से 27 श्लोक तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग, 28 से 47 श्लोक तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता स्नेह और शोक युक्त वचन कहे गए। धृतराष्ट्रोवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्त्वा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोला, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चामूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। इस पर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च शव्यश्च नरपुंगवः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चेकीतान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान सौभद्रौ द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। और प्राकर्मी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र यह सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदित्यस्तथैव च अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य
तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अप्राप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा अभिरक्षितम, पर्याप्तम तुद्मितेषाम बलम भीमा अभिरक्षितम, ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मे वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजन्यन्य हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दधमौ प्रतापवान तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गो मुखा सहसैवाभ्यहिनन्त सा शबस्तुमुलो भवत्। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उन दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान गरजकर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नृसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा श्वेतैर्ह्ययुक्ते महती स्यन्दने स्थितः माधवा पाणवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांच जन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पिकौ काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथा धृष्ट दुम्युनो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाला काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्ट दुम्युन तथा राजा विराट और अजय सात्विकी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाला सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः पवृते शस्त्र संवाते धनुर्दुम्य पाण्डवः ऋषिकेशम् तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। यावदे तान रीक्षे हम योधु कामान अवस्थितान कह रम्या सह योधव्यम अस्मिन् रण समुद्गमे। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योतस्यमानान वेक्षे अहम् या एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीषम द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीति। संजय बोला, हे धृतराष्ट्र,
अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। तत्रा पश्यत स्थितान पार्था पितृनत पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा ससुरान स्वृदिश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके उपरांत पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधु नवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशीदन निदमब्रवीत। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ यह बोला। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सवं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मेरोम हर्षश्च जायते। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है। गांडीवं संरस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते नच शक्नो मैवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विप्रीतानि केशव नच श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन विस्मित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ नहीं हूँ। और हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानिच किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो अराज्यम भोगा सुखानिच ता इमे अवस्थितः युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानिच। और हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छित हैं वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान हन्तुम इच्छामि घनतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतो किं नु महि कृते। जो के गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और वैसे ही दादा मामा ससुर पोते साले तथा और भी संबंधी लोग हैं, इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीन लोग के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्याद जनार्दन पाप मेवा श्रेयदस्मान हत्वा ताना तताइना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान नारहा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम्। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए यह लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। कथम नागे मस्मा भी पापादस्मा निवर्त तुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भिर्जनार्दन। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभक्तियुत। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्मा विभवात कृष्ण
प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रणे जायते वरण संकरः संक्रो नरकायैव कुलघनानां कुलस्यचि पतन्ति पित्रो येषां लुप्त पिण्डोदक्रियः। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोक भी गिर जाते हैं। दोषै रेतै ही कुलघनानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भक्ति इत्यनुशुश्रम। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यदराज सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्या धार्त्रास्तारणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवेत। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे भी, तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय उवाच, ए मुक्तार्जुन संखे रथोपस्थ विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद् गीता सूपनेषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरिओम तस्सत हरिओम तस्सत हरिओम तस्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। अद्वितीय अध्याय। प्रधान विषय इस अध्याय के 1 से 10 श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद, 11 से 30 श्लोक तक सांख्य योग का विषय, 31 से 38 श्लोक तक छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण, 39 से 53 श्लोक तक निष्काम कर्म योग का विषय, 54 से 72 श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन है। संजय उवाच, तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोला कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कीर्तिरकरम अर्जुन। क्लैव्यम मा समगमः पार्थ नैत त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, तुमको इस विषमस्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को ही करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे में योग्य नहीं है। हे प्रंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुनोवाच, कथम भीष्महम संखे द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोतस्यामी पूजा रहावरी सूदन। तब अर्जुन बोला कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीषम पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों करके युद्ध करूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तं भैक्षमपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान।
इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतत विद्म कतरन नोगरियो यदवा जय यदि वानो जयहु याने भत्वा न जी जीवशाम ते अवस्थिता प्रमुखे धात्राष्ट्र। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम् शाधिमाम् त्वाम् प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। ना ही प्रपश्यामि ममाप्लुद्याद यच्छोक मुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमाप्सपतन वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय वाच ए मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ा केशः परंत न युतस्य इति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीं भवुवः। संजय बोला, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के पति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान को युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्न भारत सेनयोर भयोर मध्ये विषीदंत मिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच अशोच्या नन्नु शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनादिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देहीनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मोहयति। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा और वृद्ध अवस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास तांस्तितिक्षि स्वभारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन उनको तू सहन कर। यम ही नभ्यथ्यंती एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस त्वन्योस तत्वदर्शभि। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो असितत्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अवश्यास्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवंति मे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान के जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है,
क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न बिजानी तो नायम हंती न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात इति हंतिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो अपराणि तथा श्रीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तू कहे मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्येवच नित्या सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातनः। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती है तथा इसको जल नहीं गीला कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, यह आत्मा अक्लेद्य और अशोष्य है तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् देवं विदित्वैनं नानु शोची तुमर्हसि। और यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का विषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अच्चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम शोची तुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जनमृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोची तुमर्हसि। और यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने, तो भी हे अर्जुन इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और यह भीष्म आदिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल बीच में शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर इस विषय में क्या चिंता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनमान्यः श्रणोति श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित। और हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों इसके तत्व को कहता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की ज्यों सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। देही नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोची तुमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पि तुमर्हसि धम्याद्धि युद्धाच्छ्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अथ चेत् तुमिमं द्रम्यं संग्रामं न कृष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथ्यष्यन्ति इत्यव्याम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। भयाद्रणात् उपरतम मन्स्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्येषि लाघवम्। और जिनके लिए तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवा हितः निन्दन्तस्त सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नकुं। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी जय पराजय को लाभ हानि और दुख सुख समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। एषाते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाश्रुणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वर्गमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और इसको अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा, और इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा हन्यंताश्च बुद्धियो अव्यवसाय नाम। और हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पतां वाचम प्रवदन्त्य विवश्चितः वेदवादर्थः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वरी गतिं प्रति। और हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया फिर तचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, और हे अर्जुन,
सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्म प्रायण हो। यहाँ अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम कहा गया है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदिके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो असत्व कर्मणि। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी प्रीति न होगी। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगुच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणं अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व भाव बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है, इसलिए हे धनंजय समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगायुजस्व योगा कर्म सुकौशलम कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मिनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। और समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति त्रिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधाव चला बुद्धि तदा योगम वापस्यसि। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। और जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। अर्जुनोवाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगस्य प्रहा वीतराग भय क्रोधा सिद्धिर मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान निभस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभा शुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहत है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है।
और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी सर्वशा इंद्रियानिन्द्रियार्थे यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही वह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु राग नहीं निवृत्त होता है और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के लिए भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण स्थित होवे क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयानपुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और हे अर्जुन मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। राग द्वेष वित्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोहयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है और उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चर्ताम् यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर् नावम् इवाम्भसि। और हे अर्जुन साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सनिशा पश्यतो मुनिः। इससे हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षण भंगुर संसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमापनोति न काम काम। और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति
संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न के भोगों को चाहने वाला। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःसृपः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पृहा रहित हुआ वर्तता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद् गीता सोपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो अध्याय। हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत् हरि ओम तस्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अतृतीयो अध्याय प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 8 श्लोक तक ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण, 9 से 16 श्लोक तक यज्ञादि कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण, 17 से 24 श्लोक तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता, 25 से 35 श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा, 36 से 43 श्लोक तक काम के निरोध का विषय कहा गया है। अर्जुनोवाच जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर् जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम योजयसि केशव। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आपन्याम। तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्क्रम्यं पुरुषो अशनुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्म के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों के त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित्य कर्म कृत कार्यते ही अवशाह कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सौच्यते। तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निस्संदेह सब ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मसक्ता सा विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः श्रीर्यात्रा पिचते न प्रसिद्धेर कर्मणः। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात कर्मणे अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचर।
सह यज्ञः प्रजाशिष्ट पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस विश्वध्वमेश वो अस्त्रिष्ट कामधुक। और हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म को लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर, तथा कर्म ना करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होवो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे। देवान भाव्यताने ते देवा भाव्यंतु वहा परस्परम भाव्यंता श्रेया परम वाप्स्यथ इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायम्यो यो भुंक्ते स्तेन एवसा। तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें, इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होवोगे। तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्वकृत विषय ही भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभवा यज्ञाद भवति प्रजन्यौ यज्ञः कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु वर्तयति हिया अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थसा जीवति यस्त्वातम रतिरेव स्यादातम तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं वर्तता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा ही में संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रियः तस्मादसक्ता सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तो व्यचरं कर्म परमापनोति पुरुषः। क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं, इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर। क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मण्य भी संसिद्धि आस्थित जनकाद्य लोक संग्रह एवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरो जनहा सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष उसके अनुसार ही वर्तते हैं, वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है लोक भी उसके अनुसार ही वर्तते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः।
इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न वर्तूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे वर्ताव के अनुसार वर्तने लग जाएं, अर्थात करने लग जाएं। उत्सीदे युर्मे लोका न कुर्यान कर्म चेदहम संकृष्य च कर्ता श्याम उपन्यामिमां प्रजा। तथा यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा को हनन करूं अर्थात मारने वाला बनूं। सक्तः कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनाम जोशियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता असमाचरण। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। तथा ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। प्रकृते क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता मिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महावाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। और हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में वर्तते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न विचाले मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्यो विरुद्धुरः। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं, उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अंशुयंतो मुच्यन्ते इत्यपि कर्म भी। और हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार वर्तते हैं वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेत दभ्यसुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहा किं कृष्यति। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं वर्तते हैं उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव से प्रवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्यन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्ना वश्मागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधना श्रेयः परधर्मो भयावह। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रणेय बलादि नियोजितः।
इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के सदृश ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है? श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भवा महाशनो महापापमा विद्धे नम ही वैरिणम धूमेना ब्रियते बहनिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है और यह ही महाआसन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से ना तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको हेतु वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्तेष ज्ञानमावृत्त देहिनम। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है तथा इंद्रियां मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं और यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तृषु पापमानं तजिहीनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि प्राणाहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार, और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे अर्थात श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वही आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद् गीता सोपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। हरिओम तस्सत् हरिओम तस्सत् हरिओम तस्सत्।